राधे श्याम रसिया। जी हाँ, वो नाम जिसका नाम आते ही कई सुपरहिट गाने सामने आते हैं। आपको याद होगा ए राजा 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 करेजा में समाजा। जी हाँ, आज भी ये गाना लोगों के जुबा पर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉलीपॉप के बाद ये गाना शादी ब्याह में बहुत तेज़ी से बजता है। खैर, लेकिन राधे श्याम, जी हाँ, राधे श्याम रसिया ने क्या कहा है पवन सिंह के बारे में जो इतनी बड़ी बातें हो रही है। जी हाँ, राधे श्याम रसिया ने खेसारी के बारे में भी कहा है और खेसारी के बारे में ये कहा है कि वो उनके चेले हैं और खेसारी को संगीत का गुर कहीं ना कहीं उन्होंने सिखाया है। लेकिन राधे श्याम रसिया ये भी कहते हैं कि पवन को देखने के बाद, पवन को सुनने के बाद मैं समझ गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, आगे तक जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना आगे जाएगा और अपनी पॉपुलरिटी को वो इस कदर भुनाएगा। जी हाँ, राधे श्याम कहते हैं कि पवन सिंह बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और भोजपुरी में उन्हें उनकी आवाज़ मनोज तिवारी के बाद बहुत अच्छी लगती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब भी कहीं स्टेज शो करता हूं तो अपने गाने तो गाता हूं, लेकिन पवन का लॉलीपॉप गाना मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट के लिए आता है और मैं इसे बेझिझक गाता हूं क्योंकि वाकई ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह के लिए राधे श्याम रसिया कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त पवन से अच्छा कोई नहीं गा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं राधे श्याम रसिया के इस स्टेटमेंट के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।